वंस अगेन। और इत्तेफाक देखो, पिछले बार भी जब हम मिले थे सोलफुल म्यूजिक अकेडमी के चैनल पे एक फ्लॉटिस्ट के साथ ही मिले थे, इस बार भी एक फ्लॉटिस्ट के साथ ही मिल रहा है। बट इस बार गेम में थोड़ा सा चेंज है, इस बार हमारे साथ फीमेल फ्लॉटिस्ट हैं। और हमारा मकसद यही है कि यू नो देर आर वेरी लेस फीमेल फ्लॉटिस्ट, और इस चीज़ को हम लोग इनिशिएटिव प्लान किए हैं। विलांदी का काफ़ी अच्छा विज़न है। By the way, ये देखो इनका नाम मैंने ही ले लिया, I think इनका नाम इनको लेना चाहिए। Vilandi, please introduce yourself. Hello, this is Vilandi. I'm a disciple of Pandit Hari Prasad Chaurasia. So, as here we all are gathered to start the journey of the music, and as Sir has defined that my aim is to create more and more female flutists, the women who is willing to learn, but because of their work and their household chores, so it's very difficult to take out your time and come here and let's begin the celebration of the flute and the music. Yes, so exactly. So हमारा initiative बस यही है कि औरतें कभी भी ये ना सोचें कि उनके जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य है, यू नो बच्चे को पढ़ाएं, यू नो बच्चे को पढ़ाएं और थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं यू नो घर का कार्य वगैरह करें या करवाएं, और यू नो दिन से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात और वापस ऐसा ही हो, ये यही ना चलता रहे। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ विलांदी ने बोला, मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो, कि यू नो अभी तक जब भी फ्लूट यानी तो कृष्णा, यू नो एंड अब चीज़ें बदल गई है, अब जो है राधा फ्लूट बजाएंगी, एंड यू नो आई थिंक राधा कम्युनिटी को यू नो इंस्पायर करना है, एंड ऐसे भी हमारे वर्ल्ड को यू नो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि यू नो लोग शांति से यू नो एक काम स्टेट ऑफ माइंड से यू नो कुछ ऐसे चीज़ को करें जिससे कि वो यू नो एक्सटीरियर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो पाए। एंड यू नो फ्लूट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि आपको यू नो आपके सांसों से सबसे ज़्यादा जुड़ के रहना पड़ता है, यू नो सांस यानी ज़िंदगी। और हम सब लोग यू नो ज़िंदगी जी रहे हैं लेकिन अपने सांस के साथ बहुत कम जुड़े रहते हैं, यू नो एंड फ्लूट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो आपको हमेशा आपके सांसों से जोड़ के रखता है, उसका कीमत बताता है, यू नो किस तरीके से आपके सांस के मदद से आप कितने खूबसूरती से यू नो एक एम्बियंस क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट कि विलांदी, लेट्स सपोज कोई भी म्यूज़िक, चलो इन जनरल म्यूज़िक भी बात कर रहे हैं और म्यूज़िक के अंदर ही फ्लूट है, सब है कि किसी को भी अगर म्यूज़िक सीखना है तो उनके लिए जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि तीन चीज़ काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। पहला चीज़ है कि यू नो योर डिसीजन टू डू समथिंग एंड यू नो योर सेल्फ बिलीव एंड द कंसिस्टेंसी। सो हम लोग ये स्टेटमेंट को एक्चुअली आई थिंक वी शुड पेस्ट इट टू समवन दोज़ हू आर लिटरली विलिंग टू लर्न। और मतलब क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग ये इस तीन चीज़ के साथ नहीं जुड़ेंगे, आई थिंक दे आर नॉट डूइंग ऑथेंटिक म्यूजिक, व्हाट यू से अबाउट इट? For me, the definition of being a musician or turning into the musician is like the purity of your heart, because you should be completely pure to express and create a pure notes from any instrument. The second is you have to surrender yourself. If you cannot surrender yourself to music, you are just doing time pass. I mean, no offense, please don't take it granted the music, because exactly. It's the vision for the life, you know. Because people, they are depressed, if they are not able to sleep, they listen to meditation music. So even they are not doing any kind of music in their regular life, but still they are listening something to calm yourself and, you know, able to sleep. So I think it's just that if you want to perceive or if you want to be a disciple of music, not disciple of anything, just disciple of music, you just have to surrender and with the pure heart. That's the only thing you can, with all these things you can achieve everything. Exactly.
सो वही वाली बात हो गई कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि यू नो सेल्फ बिलीव, दैट फेथ, कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज अ पार्ट ऑफ यू नो ये सारा चीज़ यू नो जुड़ा हुआ है. सरेंडर आप ना करें तो होने वाला नहीं है. तो मैं बस आप लोगों को इतना ही चीज़ बता देता हूँ, यू नो विलांदी के साथ आप अगर क्लास करना चाह रहे हैं, आप अगर यू नो देखो क्योंकि हम लोगों का कैटेगराइज सेक्शन है, यू नो लेट्स सपोज समवन इज जस्ट कमिंग फॉर यू नो डूइंग थिंग्स एज अ हॉबी, समवन इज जस्ट कमिंग टू यू नो मेक इट अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट ऑफ देयर लाइफ, एंड समवन इज यू नो विलिंग टू मेक इट अ प्रोफेशनल यू नो एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ. सो व्हेन विलांदी इज देयर यू नो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी यू नो हम सबके गुरु हैं और हम सब लोग उनको सुन के ही बड़े हुए हैं. और हम ही नहीं यू नो जब तक फ्लूट रहेगा आई थिंक यू नो सब उन्हीं से सीखेंगे, उनके किए हुए कृत्य से सीखेंगे. तो ये दिस इज सम सीरियस इनिशिएटिव. दिस इज नॉट एट ऑल यू नो दिस इज नॉट टू माइंड यू नो किसी को भी हम ऊंचा नीचा नहीं दिखा रहे हैं. लेकिन जो लोग हृदय से समर्पित हैं, जैसा कि आपने कहा कि अगर आप सरेंडर कर रहे हैं यू नो तो ही आप आएँ, वरना ऐसे आप एकेडमी ज़रूर आए, हम लोग यू नो घूम फिर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, आप गिटार बजा सकते हैं, यू नो बाकी सारा चीज़ कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं. टाइम पास एज एन म्यूजिकली उससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना. बट यू नो जब फ्लूट हो गया या जब इंडियन क्लासिकल, जैसे हमारे स्वप्निल भाई अभी इंडियन क्लासिकल यू नो चीज़ को एज वी आर प्रमोटिंग यू नो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल को प्लीज़ यू नो एक तहे दिल से एक वही सरेंडर वाली बात हो. और वंस यू सरेंडर टू म्यूज़िक यू नो आई थिंक लाइफ का 114 चक्रास ज़रूर खुलेगा. और 114 चक्रास में सात चक्रा जो है वो सुर ही है. तो बस सा और ओम से अपने जीवन का यू नो आप लोग शुरुआत ही करें. एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट. एंड विलांदी इज़ देयर टू टेक केयर, एंड इफ सी डजंट टेक केयर यू नो आई एम जस्ट बिहाइंड हर. ये भाई क्या कर रही है? ऐसा कभी नहीं होगा. यू नो सी इज़ वेरी यू नो टैलेंटेड एंड वेरी कमिटेड, वेरी डिवोटेड, वेरी यू नो काम. यू नो आर्टिस्ट होने का सबसे बड़ा ये मैं क्या बोलूँ, ये सबसे अमूल्य चीज़ है आपके अंदर यू नो कि यहाँ तक हम्बलनेस नहीं. एंड आई प्रे टू ऑलमाइटी कि सबके अंदर इसी तरीके से सुर आए, 12 सुर आए और यू नो सादगी भी आए. तो बस आइए जुड़िए. ओम नमः शिवाय.